मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ डिजिटल सेवा का जो नया पोर्टल लॉन्च हो चुका है उसके बारे में। आप देख सकते हो इसके अंदर डिजिटल सेवा का पोर्टल जो लाइव हो चुका है। आप भी सिंपली इसको लाइव देख सकते हो। अभी भी ये लाइव हो चुका है। इसके अंदर बहुत सारी परेशानी जो आ रही है फिलहाल। इसके अंदर कभी बंद हो जाता है, कभी चालू हो जाता है ये पोर्टल। तो इसको आप घबराइए मत। ये पोर्टल के ऊपर कुछ काम चल रहा है, जिस तरह से आपने देखा होगा बहुत सारा प्रॉब्लम हमें आ रहा है। हमारा जो ऑनलाइन जो सर्विस जो एक्टिवेट होने वाली थी अभी तक वो एक्टिवेट नहीं हुई, तो उसके लिए भी कुछ कोशिश इसके अंदर चल रही है। हमारे कुछ इसके अंदर आईडी और पासवर्ड्स, इसके अंदर जो है मैपिंग का काम शुरू है। तो हमने बात कर रखी थी आज, उसके अंदर हमें ये बताया गया था कि आपका ये पोर्टल जो है बहुत जल्द चालू हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आप डीजीमेल के ऊपर देख सकते हो, डीजीमेल अभी स्टार्ट हो रहा है। तो डीजीमेल का भी कुछ बहुत सारा प्रॉब्लम हमें आ रहा था कि डीजीमेल जो कुछ तरह की प्रॉब्लम हमें दे रहा था। इसके अंदर जो मेल्स थे उसके अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं। आप सभी देख सकते हो कि डीजीमेल जो अभी ओपन हो जाएगा। तो ये सुबह से आज बंद था, 2 दिन से, अभी 2 दिन पहले भी इसको जो है कुछ इसके अंदर अपग्रेड का काम जो है चल रहा था। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके बारे में हमने कुछ इसके अंदर जांच की, कुछ इसके अंदर हमने देखा। तो इसके अंदर हमें ये पता चला कि इसके अंदर जो काम चल रहा है वो अपग्रेड का कुछ काम चल रहा है इसके अंदर। तो अपग्रेड का मतलब ये होगा कि इसके अंदर कुछ सिक्योरिटी रीजन इसके अंदर बढ़ा दिए गए, जिसके अंदर आप देख सकते हो हमारा पोर्टल का जो पूरी तरह से डैशबोर्ड है वो पूरी तरह से बदल चुका है। तो आप देख सकते हो ये वैसे तो बहुत अच्छा दिख रहा है, पर इससे जो पहले का पोर्टल था वो भी इतना भी खराब नहीं था। तो सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे डैशबोर्ड कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। वैसे ये भी दिख रहा अच्छा है, पर इसके अंदर आप देख सकते हो कि इसके अंदर सर्विसेस कुछ बढ़ा दी गई सर्विसेस इसके अंदर। और जितना हमारा पोर्टल जो अपडेट होगा उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। आप देख सकते हो बहुत बार इसके अंदर हमें जो प्रॉब्लम आ रही थी कि हमारा पेमेंट जो इसके अंदर कुछ फंस जा रहा था, या हमारा पेमेंट जो डिडक्ट हो रहा था पर जो सर्विस जो थी एक्टिवेट नहीं हो पा रही थी। तो ऐसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम का जो हमें सामना करना पड़ रहा था, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना होता था। तो अब उसमें कुछ कमी आ सकती है। ये पोर्टल हमारा अगर बंद हो रहा है तो इसका मतलब आप घबराइए मत, आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका इसके अंदर जो आपका पेमेंट जो फंसा हुआ है वो आपका पेमेंट कहीं नहीं जाएगा, आपका जो अमाउंट इसके अंदर से कहीं नहीं जाएगा। जितना अपडेट होगा उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा, अच्छा होगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ जो ड्रॉबैक्स थे, कुछ इसके अंदर कमियां थी, उसको ढूंढने के बाद इसको जो है रिपेयर किया जा रहा है। इसलिए आप देख सकते हो कि बहुत अच्छा काम इसके अंदर चल रहा है। इसके अंदर अपडेट आ रहा है, जिसके अंदर आप देख सकते हो आपके मोबाइल के अंदर भी अपडेट आता है। तो उसके अंदर कुछ सिक्योरिटी रीजंस, कुछ सिक्योरिटी इसके अंदर बढ़ जाती है, उसी तरह से इसको कुछ सिक्योर करने के लिए कोशिश चल रही है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। उसके अंदर आप देख सकते हो हमारा डीजीमेल जो अभी पूरी तरह से स्टार्ट नहीं हुआ, ये अभी अभी आपको इतना तो ऑप्शन इसके अंदर दिखा रहा है कि ये डीजीमेल आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है। अभी 1 घंटे पहले अभी इतना भी ऑप्शन इसके अंदर नहीं आ रहा था, सिर्फ ये आपको यहाँ पे बफरिंग का ही ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा था इस तरह से। अभी आपको यहाँ पे डीजीमेल का कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ देर बाद आपको यहाँ पे पूरी तरह से डिजिटल स्टार्ट होता हुआ दिख जाएगा। तो घबराए मत वीर भाइयों, आपको कोई भी तकलीफ इसके अंदर नहीं होगी फ्यूचर के अंदर। हाँ, आपको कुछ देर के लिए तकलीफ ये हो सकती है, पर आपको इसके अंदर आपका जो फ्यूचर है, आपका जो फ्यूचर है और फ्यूचर दोनों इसके अंदर चेंज हो जाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी और बेहतर बात हो रही है कि आपको इसके अंदर अपडेट आ रहे हैं, इसके अंदर कुछ सिक्योरिटी इसके अंदर पैचेस इसके अंदर लगाए जा रहे हैं। तो इसके लिए आप परेशान मत होइए, कुछ देर के लिए आपको परेशानी यहाँ पे हो सकती है। तो ये देखिए इस तरह से डिजीमेल के अंदर आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन मेरे को दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9+ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अभी तक ये पूरी तरह से ओपन नहीं हुआ, तो कुछ देर हम इसको वेट कर लेते हैं, उसके बाद कोशिश करेंगे और आशा करते हैं कि ये हमारा डीजीमेल जो ओपन हो जाएगा। तो आज के ये वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि आप घबराइए मत,
कि डिजिटल सेवा जो पोर्टल है वो बंद हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे ओपन हो चुका है, इसके अंदर कुछ मेल्स भी हमें मिल चुके हैं। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ मुझे नोटिफिकेशन मिल चुका है जीएसटी का। तो ये देखिए इस तरह से कुछ इसके अंदर नोटिफिकेशन आ चुके हैं। अगर आप इसको ओपन करना चाहेंगे तो आप इसको ओपन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी इसके बैकग्राउंड के अंदर कुछ काम चल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दिख जाएगा रिस्टोरिंग का। सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ लाइव कि ये पोर्टल जो किस तरह से अपडेट होता है, किस तरह से इसके अंदर फीचर्स, नए नए फीचर्स इसके अंदर लॉन्च होते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा, सबसे पहले जो डिजीमेल था उसके अंदर आप किसी भी प्रकार की अटैचमेंट आप यहाँ वहाँ पे नहीं लगा सकते थे। जिस तरह से आपको कुछ इमेज उसके अंदर ऐड करना था या पीडीएफ फाइल्स, तो उस तरह से उसके अंदर कुछ अपडेट उसके अंदर आया था। कुछ दिन बंद भी था डिजीमेल हमारा, कुछ घंटे तक। तो कुछ घंटों तक बंद होने के बाद इसके अंदर अपडेट हो चुका था। उसी तरह से आज भी इसके अंदर कुछ नया इसके अंदर आ चुका है। सिर्फ हमें उसको उस नजरिए से हमें उसको देखना होगा कि इसके अंदर क्या नया आ चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी रिस्टोरिंग ये हो रहा है। तो कुछ देर वेट करने के बाद हमें आशा है कि ये पूरी तरह से रिस्टोर हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से पोर्टल हमारा जो ओपन हो चुका है हमारा मेल। तो ये देखिए इसके अंदर कुछ बहुत महत्वपूर्ण इसके अंदर जानकारी हमारे पास आ चुकी है, जिसके अंदर ये साफ साफ बताया गया है कि आप जो है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जो है करना बंद कर दे। तो ये देखिए मैं आपको पूरा अच्छी तरह से आपको मैं यहाँ पे दिखाई देता हूँ, दिखाई देगा इस तरह से आपको यहाँ पे इसको जूम कर लेता हूँ। तो ये देखिए इसके अंदर यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि सरकार का जो नियम यहाँ पे जारी किया था, जिसके अंदर सभी ई कॉमर्स ऑपरेटर को जिसका कि 20 लाख से कम का जो टर्नओवर है, या जिन राज्यों के लिए 10 लाख का कम का जो टर्नओवर है, उनके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास ये अब खबर आ चुकी है, जिसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे सभी को यहाँ पे सलाह दी जा रही है कि अगर आप यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आप यहाँ पे रुक जाइए, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपके पास पहले से जीएसटी नंबर है तो उसको भी रद्द करने की प्रक्रिया यहाँ पे शुरू कर दी है इन्होंने। जल्दी आपको यहाँ पे मेल आईडी पे आपको मेल भेज दिया जाएगा। और जिन्होंने जीएसटी नंबर ले लिया है तो उनको यहाँ पे सलाह दी जा रही है कि आप जब तक आपका जीएसटी नंबर रद्द नहीं कर दिया जाता, तब तक आप उसका रिटर्न जो है भरते रहिए। तो इस तरह से आपको यहाँ पे सलाह दी जा रही है कि आपको यहाँ पे जल्द से जल्द आपका जो जीएसटी नंबर है उसको रद्द कर दिया जाएगा। तो सीएसटी क्या कर रही है हमें ये समझ में नहीं आ रहा। कभी ये पोर्टल चालू कर देती है, कभी पोर्टल बंद कर देती है। तो इसमें मैं हमें कुछ इसकी ड्रॉबैक्स की भी बातें अब कर लेते हैं कि इसके अंदर अच्छा जो सब कुछ हो रहा है, इसके अंदर कुछ सिक्योरिटी फीचर्स इसके अंदर बढ़ रहे हैं। इसके अंदर आप देख सकते हो डीमेल के अंदर कुछ अपग्रेड होने के बाद हमारे पास कुछ नए ऑप्शन इसके अंदर आपको दिखाई देंगे। जिस तरह से आप इसको यूज करेंगे उसी तरह से आपको इसके अंदर नए नए फीचर्स आप इसके अंदर के जान पाएंगे। तो हम इसकी कुछ ड्रॉबैक्स के बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सीएसटी के अंदर कुछ भी यहाँ पे फिक्स नहीं किया हुआ इन्होंने कि किस तरह से आपको काम कर रहा है इसके अंदर। जब चाहे तब इसके रूल्स जो चेंज होते रहते हैं। तो आप देख सकते हो इसके पहले हमारे पास कुछ मेल आईडी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जिस तरह से उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ था कि आपको जल्द से जल्द जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो आपका सीएसटी आईडी जो है बंद कर दिया जाएगा। तो मैंने भी इसका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर लिया है। कुछ कुछ प्रॉब्लम मुझे आने की वजह से इसके अंदर कुछ अपलोड जो करना रह गया था उसके लिए मेरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है नहीं हुआ था। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा ही हुआ मेरे लिए, क्योंकि जीएसटी नंबर आने के बाद आप देख सकते हो आपको उसका रिटर्न भरना ही भरना है। तो इसके अंदर साफ साफ यहाँ पे सीएससी ने कह दिया है कि आपके पास नंबर आपको जल्दी रद्द करने की प्रक्रिया आपको यहाँ पे शुरू हो जाएगी। आपको उसका नोटिफिकेशन भी आपको वहाँ पे दिया जाएगा कि आपको किस तरह से जीएसटी नंबर का जो
इसका किस तरह से आपको उसका रद्द करना होगा, उसका रजिस्ट्रेशन, तो उसकी प्रक्रिया अभी यहाँ पे शुरू नहीं हुई, तब तक आपको यहाँ पे आपका रिटर्न फाइल करना होगा। तो ये थी कुछ आज की जानकारी। हम अपने थोड़े से अपने सब्जेक्ट से थोड़ा बाहर आ चुके हैं, पर आपको ये जानकारी भी देनी जरूरी थी, जो कि मुझे भी अभी अभी मेल मिल चुका ही है, इसलिए मैंने आपको बताना जरूरी समझा और आपके सामने मैंने इसको ओपन किया है। मुझे पता नहीं कि इसके अंदर ये जानकारी जो है मिल रही थी। तो बस आज की वीडियो बस इतना ही। आपको वीडियो किस तरह से लगा, कैसा लगा है, इसके बाद मुझे बताइए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपके मन में कुछ बात हो रही है जिसको आप मुझसे पूछना चाहते हैं, मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, सिंपली मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आप वो बात लिख सकते हो। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम।